चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की अपकमिंग भोजपुरी मूवी डमरू का रिलीज डेट सामने आ चुका है। आपको बता दें कि फिल्म डमरू का रिलीज डेट खुद डायरेक्टर रजनीश मिश्रा ने इसका अनाउंसमेंट किया है। आपको बता दें कि फिल्म डमरू 6 अप्रैल से बिहार और झारखंड के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें कि फिल्म डमरू में पहली बार खेसारी लाल यादव एक अलग ही अवतार में नजर आने वाले हैं। फिल्म का ट्रेलर बीनस भोजपुरी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि फिल्म का ट्रेलर अभी तक करीब 2 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जो कि एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है। फिल्म डमरू में खेसारी लाल यादव एक शिव भक्त के अवतार में नजर आ रहे हैं, जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव के साथ पहली बार आशिका कपूर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख रही है। हालांकि फिल्म के ट्रेलर में आशिका कपूर का भी जबरदस्त अंदाज ट्रेलर में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों की केमिस्ट्री भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक नया इतिहास रच सकती है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले डमरू का पोस्टर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। फिल्म के निर्माता प्रतीश शर्मा और डायरेक्टर रजनीश मिश्रा द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि फिल्म को मल्टीप्लेक्स में भी रिलीज करने की योजना बनाई जा रही है। आपको बता दें कि खेसारी और आशिका कपूर पहली बार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक साथ बड़े पर्दे पर कदम रख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि दोनों की जोड़ी भोजपुरिया लोगों को कितना ज्यादा पसंद आता है, या तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगी।